हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो ये लोग देखने से पहले आप मेरे को और जगह फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट ये जो वीडियो है ये स्पेशली है नवरात्रि गरबा नाइट्स के लिए, गरबा के लिए। और ये जो गरबा वगैरह स्पेशली खेला जाता है गुजरात में, तो ये मेकअप लोग वहीं से इंस्पायर्ड है, बट थोड़ा सा मैंने इसमें वेस्टर्न लुक दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यूज़ करा NYB का प्राइमर। इस लुक को अब कंप्लीट करने के लिए मैंने मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो NYB से लिए हैं, एंड जो प्रोडक्ट NYB में नहीं थे तो मैंने कहीं और से पिक करें। एंड यहाँ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये NYB का एक लिक्विड फाउंडेशन है, तो उसको मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो रहा है पूरे फेस पे। नॉर्मली मैं ब्यूटी स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि ब्रश की हेल्प से अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो अच्छा रिजल्ट आया है, ब्रश की हेल्प से बहुत ईजिली और अच्छे से अप्लाई हो रहा है। ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आपको चाहिए इसका रिव्यू तो आप मेरे को बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से लग रहा है ये फाउंडेशन भी, और ब्रश से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लग रहा है। सो यहाँ पे कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का ही कंसीलर है ये। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा लाइटली अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ में, थोड़ा सा आईलेट पर, नोज़ पर, फॉरहेड पर, क्यूपिड्स बो एंड चिन, बहुत थोड़ा सा हल्का सा। और उसको मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर है, ज़्यादा हैवी लुक नहीं देता बट इजीली हाईलाइट करता है आपकी फेस को। तो इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ, NYB का ही कॉम्पैक्ट है ये। इसको मैं इसके साथ जो पफ मिला है उसके साथ ही अप्लाई कर रही हूँ, अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि गर्मी का टाइम है तो हमें चाहिए कि हमारा मेकअप स्टे रहे। तो हम कोई सा भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आई शेडो पैलेट है मेरे हिलैरी रोडा का, उसके जो ब्लैक कलर है उसी से अपनी आईब्रोज को हल्का फिल कर रही हूँ। NYB की आईब्रो पेंसिल थी बट मेरे को मिल नहीं रही अभी वो कहीं, तो इसलिए मैंने ये चूज़ कर लिया है। बाकी जो इसकी आईब्रो पेंसिल वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और क्रीमी आईब्रो पेंसिल है। सो अभी तो फ़िलहाल यही यूज़ करके नहीं मिल रही। तो इस पैलेट में से मैं ये येलोइश कलर ले रही हूँ, और इसे ब्रश की हेल्प से लिया है मैंने, और इसे मैं पूरे आईज़ पर अप्लाई करूँ, लाइक आईलिट पर भी, एज अ ट्रांजिशन कलर भी, क्रीज लाइन पर भी, सबको एक ही कलर अप्लाई कर रही हूँ सारा। कोई दूसरा कलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, दोनों आईज़ पे हमें सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ आईज़ पर अप्लाई करना है। तो मैं भी सेम वैसे ही कर रही हूँ और बस हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ब्लेंडेबल लगे सब कुछ चीज़। अब मैंने यहाँ एप्लीकेटर जो साथ में मिला है स्पॉन्ज वाला, उसकी हेल्प से ब्लू कलर लिया है और सिर्फ अपनी आईलिड पर बहुत कम पोर्शन में अप्लाई करा है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कम पोर्शन में मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ वीगा का आईलैश कर्लर है, इससे मैं अपनी आईलैशेज़ को हल्का हल्का कर्ल कर रही हूँ, ताकि जो मेरे लैशेज़ हैं वो कर्ल हो जाएँ और मस्कारा लगाने में ईजी लगे मुझे। तो यहाँ मैंने यूज़ करा मस्कारा के लिए फेसिस का मस्कारा, और क्योंकि NYB में कोई मस्कारा नहीं है इसलिए, तो मैं इसे अपने लैशेज़ को कोट कर रही हूँ। आईज़ पर अच्छे से मैंने कोट कर लिया है मस्कारा की हेल्प से, और जो लोअर लैशेज हैं उनको भी कोट कर लिया है हल्का हल्का। बहुत ज़्यादा हल्का सा लगाया है मैंने, ज़्यादा हैवी नहीं करा। फ्रेंड, यहाँ पे मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ अपनी NYB की पेंसिल, बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा अच्छी काजल है, लॉन्ग लास्टिंग काजल है ये। और इसको मैं सिर्फ आउटर थर्ड 1/3 पोर्शन पे लगा रही हूँ, पूरी आईज़ पर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा थिक वे में लगा रही हूँ, और जो बाकी का जो पोर्शन है उसे मैंने ऐसी खाली छोड़ दिया है, कुछ भी काजल नहीं अप्लाई करूंगी मैं उस पर। इस तरह से काजल आप लगाओगे तो आपकी आईज़ थोड़ी सी बिग लगेंगी, तो मैंने इस तरह से अप्लाई करा है। यहाँ पे मैं लाइनर के लिए भी NYB का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। सो इससे मैं एक नॉर्मल बेसिक लाइनर बनाऊंगी और बस लास्ट में हल्का सा विंग निकाल दूंगी, कोई ज़्यादा विंग लाइनर नहीं है ये, बट स्टिल विंग है इसमें। तो जैसे नॉर्मली हम लाइनर लगाते हैं वैसे ही लाइनर लगाना है, कुछ भी अलग से नहीं करना, और बस कॉर्नर पे जाते जाते हल्का सा अपनी बॉन्ड को बाहरी तरफ स्ट्रेच करना है, तो विंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ शिवाना का शिमर पे, क्योंकि NYB में कोई भी हाईलाइटर या फिर ब्लश नहीं है मेरे पास। सो इसमें से सबसे लास्ट वाला जो कलर है पिंक, उसको मैं ले रही हूँ और अपने चिक्स पर अप्लाई कर रही हूँ एज अ ब्लश। उसके बाद मैं सबसे ऊपर वाला कलर ले रही हूँ, शेड ले रही हूँ, और इसे मैं अपनी नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर रही, और इससे मैं अपनी चीक्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाईलाइटर, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प हाईलाइटर है ये। सो फंक्शन पार्टीज़ वगैरह में, नाइट पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा, लाइक डांस वगैरह जहाँ कर रहे हो आप तो आपका फेस ग्लो करना चाहिए,
तो मैं यू यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये भी NYB की लिपस्टिक है, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा न्यूट्रल सा कलर है। एंड अब मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ जो भी है मेरे पास, और इसके मैचिंग ईयरिंग्स और ये टीका। और इसके बाद अगर आपके पास बिंदी हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं थी। और तो मैंने क्या करा, मैंने जो लाइनर है ना उसी की हेल्प से बना ली है डॉट्स, 3 डॉट्स। मैंने देखा है गुजराती लोग ऐसे ही करते हैं, तो फिर मैंने भी कर लिया और इसी की हेल्प से मैंने बिंदी भी लगा ली। तो अगर आपके पास नहीं हो कुछ बिंदी वगैरह तो आप अपने लाइनर की हेल्प से कर सकते हो ये सब काम। उसके बाद मैं बैंगल्स पहन ली, जल्दी 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 ली पहन ली। एंड बस वैसे तो हेयर स्टाइल आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, मुझे ऐसे भी ठीक लग रहा था, बट मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तो मैंने चेंज करने की सोची है अपना हेयर स्टाइल। उसके लिए आपको क्या करना है, एक साइड से अपने बाल थोड़े से ले लो और ऊपर से घुमा के टीके की जो थ्रेड होता है उसके ऊपर से घुमा के हल्का सा ऊपर की तरफ फैला के, और अपनी जो पिन है टिक टैक वाली उसको अप्लाई कर लो, बस हो गया। ये है मेरा फाइनल लुक इस गरबा नाइट के लिए, इस नवरात्रि के लिए। आई होप आपको ये लुक पसंद आ रहा है। ये स्टाइल बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी सा मेकअप लुक है ये, और सिल्वर ज्वेलरी तो आजकल सबके पास ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आ रहा हो, गुजराती मेकअप लुक पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।